वो पेयर ऑफ वर्ड्स है. पेयर ऑफ वर्ड्स अगेन एक डिफरेंट आपका सेक्शन होता है, गालिबन 5 नंबर का. उसमें आपको वो डिफरेंट दो दो के पेयर के वर्ड्स बना के देता है. ठीक है, आपने पास्ट पेपर्स देखे ही होंगे. और आपने करना ये होता है कि वो दो लफ्ज जो होते हैं, दो अल्फाज जो होते हैं, वो दोनों का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली मोर लेस उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ये आगे पीछे ही होती है, लेकिन मतलब डिफरेंट होता है. तो वो चेक ये करा था कि क्या आपकी वोकैबुलरी इतनी है कि आप डिफरेंस निकाल सको दोनों के मतलबों में, और उसके बाद आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सको. सो दे ओनली वॉन्ट यू टू मेक सेंटेंसेज ऑफ दोज पेयर ऑफ वर्ड्स. इसमें ऑप्शन होती है, सो यू गेट टू चूज 5 पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देन मेक सेंटेंसेज अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो करनी होती हैं. इसमें कभी भी आपको हर चीज नहीं आ सकती. ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो आपका एमसीक्यू सेक्शन पे होता है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको 100% नहीं आती. यू ऑलवेज, या इडियम्स हो गए, ठीक है, आप कभी भी आपको सेंस बनानी होती है खुद से, इंट्यूशन से आपको सेंस बनानी होती है. यू कैन नेवर कम्प्लीटली इन्फर द मीनिंग. ठीक है, गलत भी हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, डू नॉट फ्रिक आउट इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग व्हेन द पेयर ऑफ वर्ड्स कम. क्योंकि आई हैव नोन पीपल जिनकी इतनी ज्यादा वोकैबुलरी है, जिन्होंने रट्टे मारे हुए लिस्टों के पेयर ऑफ वर्ड्स के, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ और आ जाता है एंड दे डू हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. द एग्जामिनर जस्ट वॉन्ट्स टू सी इफ यू कैन इन्फर द मीनिंग, ठीक है, एक से दूसरे का, एंड देन यू कैन डिफ्रेंशिएट द सेंटेंसेस. ठीक है, अगर नहीं भी होता, अगर नंबर कट जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग. ठीक है, क्योंकि ये आपने अपने आप को परेशान इस पोर्शन के ऊपर उतना नहीं करना जितना और के ऊपर करना है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आ गई कि पेयर ऑफ वर्ड्स आर द वंस दैट साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, तो देयर स्पेल्ड डिफरेंटली, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. कुछ रूल्स हैं इसके, पेयर ऑफ वर्ड्स के, आप साथ साथ पढ़िएगा. जी, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स. ठीक है, सबसे पहले आपने मतलब समझने की कोशिश करना है. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ट्राई टू रिकॉल, कभी ना कभी आपने पेयर ऑफ वर्ड इस्तेमाल किए होंगे या किसी ने डिफ्रेंशिएट किया होगा, दैट्स फाइन. ठीक है, नहीं आ रहा, अच्छा हाँ, यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मीनिंग्स. अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं. मैंने क्या किया, क्या है कि नीचे जिस तरह रेड में लिखा हुआ है कि मैंने PDFs अटैच किए हुए इस कोर्स मॉड्यूल के साथ जो मोस्ट कॉमन पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, कि चलो उनमें से एक दो तो आपको आते हो, तो वो आपने गो थ्रू करने हैं, उनके मतलब याद रखने हैं और देखने हैं इसको किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है, ताकि, ठीक है, अपनी सर्च को लिमिट करें. ये नहीं कि आप हर लिस्ट देख रहे हैं. आई हैव अटैच्ड कपल ऑफ लिस्ट फॉर यू, सो यू कैन स्टडी देम एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो. ठीक है, द सेंटेंसेज शुड क्लियरली डिफ्रेंशिएट द मीनिंग्स ऑफ द टू वर्ड्स. अच्छा, जो सेंटेंसेज आप बनाते हैं उन पेयर ऑफ वर्ड्स से, उसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें उन दो पेयर ऑफ वर्ड्स पे. ये ना हो कि आप जो सेंटेंसेज हैं, आपको असल में मतलब आता हो दोनों का, आपको पता हो कि दोनों का फर्क मतलब है, लेकिन सेंटेंस में आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, उसका मीनिंग क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा. क्योंकि एग्जामिनर इज नॉट बेसिकली इन आर हेड्स. ठीक है, द एग्जामिनर डज नॉट नो हाउ मच एजुकेशन वी हैव गॉटन, इफ आई एम अ बॉय और अ गर्ल व्हेन ही इज चेकिंग माई एग्जाम, इफ ही डज नॉट नो अबाउट आवर जेंडर, आवर क्लास, आवर रिलीजन, ही डज नॉट नो एनीथिंग. ऑल ही नोज इज वॉट ही हैज इन फ्रंट ऑफ हिम. उससे वो इन्फर नहीं कर सकता कि बंदा स्मार्ट था, अच्छा इसको पता था मतलब क्या, लेकिन इसे सही इस्तेमाल नहीं किया. सो इट इज अप टू अस टू मेक श्योर दैट ही नोज दैट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड. ठीक हो गया. अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ऑन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, लेकिन सिर्फ वो क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है. क्लैरिफाई करना चाहिए द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, अच्छा, पास्ट पेपर्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली, बिकॉज जितने भी मैं करा दूं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगेन कोई ना कोई नया आ जाता है और आपको सिर्फ लिस्ट पढ़ने की जरूरत है, इसमें अपनी वोकैब बढ़ाने की जरूरत है. मैंने अटैच की हुई है PDF, इसमें जरूर देख लीजिएगा आप. अच्छा, ये 2017 का पेपर है. अब नोटिस करेंगे 2017 के मैं बहुत लेके आती हूँ पेपर हर चीज में, हर कम्पोनेंट में. इट्स बिकॉज मैंने अपना CSS जो है वो 2017 में दिया था, तो आई फील वेरी कनेक्टेड टू इट. तो मेरा बड़ा दिल करता है कि उसको से मसाले दूं. है, अच्छा, वो ये इस तरह का सवाल था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वर्ड पेयर्स, कोई से भी 5, बाय यूजिंग ईच वर्ड इन योर ओन सेंटेंस. ठीक है, अच्छा, अब उसने जिस तरह रैथ रॉथ, वोरासिटी वोरासिटी, सटलर सटलर, रिटेन्यू रिटेन्यू, माइन्यूट माइन्यूट कह लें इसको, फ्यूरर फ्यूरर, डेंगी डेंगी, बोनी एंड बोनी. ठीक है, अब ये जितने भी है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है,
कोई मसला नहीं है, मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ. इस वक्त मतलब पे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब तो उस वक्त आता है या नहीं आता आपको, यू हैव टू स्टडी दिस ऑन योर ओन. लेकिन व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज आई मेड सेंटेंसेज एंड आई पिक्ड अप अ कपल ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल दैट डिफरेंशिएट द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स. ठीक है, जैसा रैथ जो होता है वो इंटेंस एंगर को पोर्ट्रे करता है. ठीक है, तो सेंटेंस इसका है ही हिड हिज पाइप फॉर फियर ऑफ इनकरिंग हिज फादर्स रैथ. ठीक है, तो उसने मेक श्योर किया कि इंटेंस एंगर का जो मतलब है कि इंटेंस एंगर उसका मीनिंग है वो प्रॉपरली क्लैरिफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसने प्रॉपर बताया है. रॉथ उसका मतलब ही एंग्री है. इट वॉज प्लेन टू सी अली वॉज नाउ एक्सट्रीमली रॉथ. ठीक है, फिर आ गया वेरासिटी. वेरासिटी एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस पे होता है. ऑफिशियल्स एक्सप्रेस डाउट्स कंसर्निंग द वेरासिटी ऑफ द स्टोरी. तो ट्रूथफुलनेस मतलब होता है उसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है. वेरासिटी, देयर इज अ हायर थर्स्ट इन वेरासिटी फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्टिनेंट कंटेंट. ठीक हो गया. उसके बाद है सटलर, जो होता है इलूसिव हो गया, नॉटी हो गया. जिस तरह ग्राहम टेलर्स अप्रोच एट वाटफोर्ड वॉज फार सटलर देन द क्रिटिक्स पोर्ट्रेट. ठीक है, या किसी भी आप ड्रामे का नाम ले रहे हैं या किसी भी फिल्म का नाम ले रहे हैं, या ये कहते हैं कि ही सटलर यूज होता है कि ही हिज एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं शोड द सटलिटी ऑफ हिज क्रिटिसिज्म सटली एक्सप्रेस्ड हिज अनहैप्पीनेस ओवर द प्ले और समथिंग लाइक दैट. इस तरह से कर लें. ठीक है, लेकिन आपने सटल जो है लव्स बहुत कॉमन यूज में तो हमें पता है. ठीक है, तो ये इस तरह नंबर आपको मिल जाएगा. फिर आ गया सटलर. सटलर क्या होता है? इट इज अ सप्लायर ऑफ विक्चुअल्स या आपकी सप्लाईज होती है आर्मी को. असेंशली अ सटल वॉज अ कैंप फॉलोअर हु सोल्ड प्रोविजन्स टू द सोल्जर्स पार्ट ऑफ अर्ली लॉजिस्टिक्स. ठीक है, बेसिकली सप्लाईज होती है जो आप आर्मी को देते हो. फिर रिटेन्यू आ गया, वो होता है सेल्फ कंट्रोल. शी स्माइल्ड एंड सम ऑफ हर नेचुरल रिटेन्यू मेल्टेड. ठीक है, जो नेचुरल उसका सेल्फ कंट्रोल था वो मेल्ट हो गया. रिटेन्यू वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को एक कंपनी करते हैं हर वक्त. ठीक है, एंड देन इज रिटेन्यू ऑफ फ्रेंड्स अराइव्ड एंड ही फ्लोटेड अवे. आई थिंक वन ऑफ देम इज अ फ्रेंच वर्ड. लुक अप द प्रोनाउंसिएशन कि मैं एग्जैक्टली सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. ठीक है, अच्छा, हालांकि प्रोनाउंसिएशन का एग्जाम नहीं होना, इसमें प्रेसिंग का एग्जाम होना है लिखने का, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट क्यूरियस यू नो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग. आप इसको देखिएगा जरूर यूट्यूब पे. माइन्यूट, माइन्यूट क्या होता है? बहुत छोटा. ही विल हैव नो मोर देन अ माइन्यूट चांस ऑफ एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस. वी हैव अ माइन्यूट चांस ऑफ क्लियरिंग CSS. नो दैट्स नॉट ट्रू. यू विल नॉट लेट एनीवन टेल यू दैट. यू विल ऑलवेज बिलीव दैट यू हैव अ हाई चांस ऑफ क्लियरिंग CSS. या बिकॉज CSS में ऑल्दो द स्टेटिस्टिक्स डिपिक्ट के 2 point कितने परसेंटेज पास होते हैं, बट एवरीबडी हैज अ चांस ऑफ क्लैरिफाइंग CSS, ऑफ क्लियरिंग CSS, गिवन दैट दे फोकस ऑन द राइट थिंग्स. ठीक हो गया. मिनुएट, अ स्लो स्टेटली बॉलरूम डांस. लुई हु डांसेस अ शेकी मिनुएट इफ प्रॉपरली गाइडेड माइन्यूट सॉरी वॉज अ शू इन. सो बेसिकली एक डांस को भी कहते हैं ये. तो ये आपको फर्क करना आना चाहिए. अच्छा, फ्यूरर, फ्यूरी रेज को कहते हैं. ठीक है, फ्रॉम फ्यूरी से फ्यूरर. द किलिंग वॉज कैप्चर्ड ऑन कैमराज एंड कॉज्ड एन इंटरनेट फ्यूरर. और दूसरा जो फ्यूरर है वो क्या होता है कि जो आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर होता है. ठीक है, या एक्साइटमेंट होता है. ही ऑलवेज फॉलोज द लेटेस्ट फ्यूरर्स. आई थिंक ये जो है ये सेंटेंस फ्यूरर का मतलब सही तरीके से नहीं बता रहा मेरे ख्याल में. इट शुड हैव बीन मोर क्लियर. क्या मतलब फॉलो करते लेटेस्ट फ्यूरर को? ठीक है, कुछ पब्लिक के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए था. ठीक है, एट अ पब्लिक गैदरिंग और कुछ इतना करके. फिर आ गया डिंगी. डिंगी है एक स्मॉल रबर बोट. टेक अ बल्क स्पूल ऑफ लाइन एंड अ डिंगी विद यू ऑन द बीच. छोटी सी रबर बोट है, कुछ भी मत आने इसका मतलब. और डिंगी जो होता है विदाउट द एच इज ग्लूमी. अ डार्क डिंगी लिटिल शॉप दैट ऑलवेज स्मेल्ट फेंटली ऑफ सिगरेट्स. आई थिंक दिस इज अ रिलेटिवली इजियर वन, क्योंकि ये दोनों हमने लफ्स पढ़े होते हैं. बोनी, ऑफ और लाइक बोन. द हेड कंटेन्स बोनी प्लेट्स विद शॉर्ट स्पाइंस एट द टिप ऑफ द स्नाउट. बोनी इज अट्रैक्टिव. अलीहा इज माई नीस एंड अ बॉनी लिटल थिंग शी हैज. ठीक है, सो लाइक इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव बेसिकली. अच्छा, दिस एंड्स आर 2017 का एग्जाम. आई होप के यू एटलीस्ट इफ नॉट द मीनिंग्स, बिकॉज यू कैन नेवर नो द मीनिंग्स टू अ फुल एक्सटेंट, पर एटलीस्ट इससे आपको ये पता चल गया है कि भाई मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. जो हमारा अगला टॉपिक है
which is going to be a past paper that I've taken out of the 2016 Express exam. ये अगेन पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर है. पेयर ऑफ वर्ड्स बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन कोई एक ऐसा मैंने आपको एक ऐसा साल के भी कराए हैं जो पिछला वाला मैंने कराया 2017 का जिसमें डिफिकल्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आए थे जिन्हें कुछ पल नहीं पड़ा था हमारे. लेकिन ये वाला जो 2016 का मैंने लिया मैंने आसान लिया है ताकि आप बिल्कुल घबराना जाए कि जी मुश्किल ही करा रही है मैम, मुश्किल आएगा हमें नहीं आएगा, हम कितने रट्टे मारे हम ये नहीं कर सकते. तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव टेकन एन इजियर वन एज वेल 2016 का. अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा जो लफ्ज है वो है एडवर्स और अवर्स. एडवर्स का मतलब क्या होता है? हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग. ठीक है, यहाँ पे हैविंग अ हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग. ठीक है, सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा? द मैच हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू अवर्स वेदर कंडीशंस. ठीक है, अवर्स का एडवर्स वेदर कंडीशंस. फिर अवर्स आ गया जिसका मतलब है कि स्ट्रांगली डिसलाइकिंग समबडी और समथिंग. Few MPs are averse to the attention of the media. Few celebrities are averse to the attention of the media or the people. अभी ये दोनों काफी आसान है, हम लोग अक्सर सुनते हैं ये. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देने तो आई वुड सजेस्ट कि ये तो आसान है, इसको तो आना चाहिए, आपको एक नंबर मिलना चाहिए. दोनों आपके सही होंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको ये सही कर दें, इसका सेंटेंस सही ना करें तो आपको आधा नंबर वो दे दें, ऐसा नहीं होता. There's one number for every pair of words. And both the words have to be have correct sentences in order for you to get one mark. ठीक हो गया. All together. मतलब क्या है? Completely, entirely. बहुत आसान है. When he first saw the examination questions, he was altogether baffled. और altogether जो कि all different है, together different है, इसका मतलब है एक group में. The wedding guests were gathered all together in the garden. ठीक है, in a group. तो इस तरह से आपने differentiate करना है. तीसरा लफ्ज अलूड. अब ये भी मैं कहूंगी ये आसान है तो मैं मार्क करूंगी. दो आसान हो गए इस पेपर में. अलूड मीनिंग टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस. ठीक है, सेंटेंस में ही अलूडेड टू द प्रॉब्लम बट डिड नॉट मेंशन इट. ठीक है, हल्का सा रेफरेंस किया था उसने, इनडायरेक्ट रेफरेंस किया. अलूड टू इवेड और एस्केप फ्रॉम. अब अलूड आसान है, अलूड भी आसान है, बट आई एम नॉट गोइंग टू मार्क इट बिकॉज यू माइट फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट. इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि भाई ये भी आसान है ये भी आसान है. चलो मैं कह देती हूँ ये मुश्किल है. ठीक है, elude, to evade or escape from. The thief eluded the police. ठीक है, अगला braise, meaning fry. आप fry करते हो food को lightly and then stew it slowly in a closed container. It's a method of cooking. Use in a sentence, he braised the beef in a wine sauce. ठीक है, फिर है braise, form, fix or join by soldering with an alloy of copper and zinc in high temperature. अब ये क्या है? This is the word used to make such, to create something at high temperature. Each joint is turned up tightly and well pinned or braced. ये यूज है उसका सेंटेंस में. कर्व, एक कर्व का तो आपको पता है जिसको आप यूज करते हो टू कंट्रोल और टू लिमिट में. वी मस्ट कर्व आर स्पेंडिंग नेक्स्ट मंथ. ये बहुत आसानी से आप इस्तेमाल करते हो. ये कर्व जो है ना, ये एज ऑफ अ रेस्ड पाथ होता है नियरेस्ट द रोड. ठीक है, तो एज होता है एक रेस्ड पाथ का एज होता है. ठीक है, जो कि काफी डेंजरस भी होता है. शी ट्रिप्ड ओवर द कर्व. ठीक है, अच्छा फिर अगला आपका लफ्ज है फेज. फेज का मतलब है, एक तो फेज हमें आता है भाई एनी डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. द रिएक्शन अकर्स इन लिक्विड फेज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, शी वाज इन अ डार्क फेज ऑफ हर लाइफ. ठीक है, व्हेन शी हेटेड एवरीबॉडी. फेज इज व्हाट एवरीबॉडी नोज. ठीक है, पीरियड टाइम पीरियड होता है फेज. दूसरा फेज जो है वो है डिस्टर्ब, बॉदर और एम्बेरस, टू डिस्टरप्ट द कंपोजर ऑफ. फायरवर्क्स डिड नॉट फेज द स्लीपिंग बेबी, दे डिड नॉट बॉदर द स्लीपिंग बेबी. ठीक है, तो फेज वो हो गया. अगला भी आसान है, मे बी और मे बी. एन एडवर्ब मीनिंग परहैप्स और पॉसिबली. मे बी आई गो आउट टुनाइट. तो एक तो एडवर्ब के तौर पे यूज होता है कि शायद आई गो आउट टुनाइट, मे बी मतलब कि परहैप्स. ठीक है, या पॉसिबली. दूसरा मे बी जो है वो वर्ब फ्रेज होता है जो कि आप कहते हो माइट बी में यूज होता है. आई मे बी गोइंग आउट टुनाइट, आई मे बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क. ठीक है, एक तो होता है ना कि शुरू में आप यूज करते हो मे बी आई कंप्लीट माई होमवर्क. एक होता है बीच में आई मे बी गोइंग आउट विद द गाय टुनाइट. ठीक है, ये हो गया बीच का, ये हो गया आपका वर्ब फ्रेज. तो ये भी आसान हो गया, अब तीन आसान हो गए इसमें. अगला मोट. इस एक मोट का मतलब है कि डिच डग एज अ फोर्टिफिकेशन एंड यूजली फिल्ड विद वॉटर. द मोट वॉज फाउंड अराउंड द कासल. ठीक है, मोट्स वर यूज टू प्रोटेक्ट द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर. ठीक है, उसके बाद है दूसरा मोट, अ टाइनी पीस ऑफ एनीथिंग. सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है?
देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी डस्ट मोड्स इन द एयर, टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर. ठीक है, ये मैं मानती हूँ मुश्किल है, ये मूव माइट नॉट ऑइल. लेकिन आपने इसमें देखे कि इस एग्जाम में तीन ऐसे थे जो बिल्कुल आपको चुटकियों में थे, आपको आराम से आप सेंटेंसेस बना सकते हो. तो कम अज कम 3 out of 5 तो यू हैव टू गेट दीज मार्क्स. इट वुड बी अ ब्लंडर इफ यू कांट यूज करेक्ट सेंटेंसेस फॉर वर्ड्स दैट यू नो द मीनिंग ऑफ. तो उसमें तो मतलब जानने का कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर आपको. ठीक है, सो मेक श्योर दैट योर सेंटेंसेस आर गुड एंड डिफरेंशिएट. ठीक हो गया, दिस एंड्स आवर सेशन फॉर द पेयर ऑफ वर्ड्स एंड आई विल सी यू.